इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। देश की सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी या ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, परंपराएं जिन्हें आज हम गलत मानते हैं और उन्हें खत्म करने के लिए कानून भी बनाए गए, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां के रहने वाले लोग अपनी परंपरा को इस देश के कानून से ऊपर मानते हैं और अपनी इस परंपरा के लिए वो किसी की जान ले सकते हैं तो अपनी जान भी दे सकते हैं। और जहां इंसानों के बीच जंगल का कानून लागू होता है, वहां अपराध सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाता है। फूलपुर थाना, चंद्रपुर गांव के मुखिया के घर शादी हो रही है। जबरदस्ती, लड़की 18 साल की है और दूल्हा 36। उसकी पहले से ही दो बीवियां हैं। हेलो हेलो, चंद्रपुर की गाड़ी निकालो। ओके सर। सर, चंद्रपुर तो बागियों का कस्बा है, वहाँ पुलिस वालों का एंट्री बैन है, घर जान का बहुत ही जोखिम है। वहाँ पर तो गोली किधर से चलेगा और किधर छेद करके निकल जाएगा सर, पता भी नहीं चलेगा। मत जाइए आप। जान का इतना ही डर था तो पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? वो चलिए। का वक्त हो गया है, चलो। नजर ना लगे हमारे भैया को, लीजिए बंटवा दीजिएगा सब। पंडित जी, आप मंत्र चालू रखिए। ये शादी नहीं हो सकती। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक ही विवाह किया जा सकता है और इनका तो ये तीसरा है। पुलिस को खबर मिली है कि इस लड़की के साथ ये जोर जबरदस्ती विवाह कर रहे हैं, तो इन सभी गुनाहों के लिए हमें इन्हें गिरफ्तार करने आए। कौन कमीना बोला कि ये जबरदस्ती का शादी है?
हम अपनी मर्जी से बन रहे हैं इनकी तीसरी बीवी। हमारे पति को हथकड़ी लगाने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा दारोगा जी। हाँ, हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। यह हमारा इलाका है, यहाँ हमारा कानून चलता है, देश का नहीं। किसी और दिन आए होते हमारे गांव तो आपको बंदूक का गोली खिलाते। हमारे शादी के शुभ अवसर पर आए हैं, आज मिठाई खाने को मिलेगा, खाकर जाइए। और हाँ, एक बात और, आज तो बोल दिए कि हम औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, भूल से भी दोबारा मत बोलिए, काहे कि हमसे ज्यादा औरत का इज्जत कोई कर नहीं सकता। समझदार दिखते हैं, समझ ही गए होंगे। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। पीछे हट जाइए, ये लोग बहुत गुस्से में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, अभी कोई रिएक्शन लेना ठीक नहीं, बाकी लोग की जान जा सकती है। पीछे हट जाओ, बाद में देख लेंगे सर। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बाहुबल, ये ऐसे लोग होते हैं जो बंदूक के नोक पर अपनी मर्जी चलाते हैं, और ऐसे इलाकों में इन लोगों की मर्जी को कानून और उनके फैसले को न्याय समझा जाता है। चंदन भी ऐसा ही एक बाहुबली है जो अपनी सोच को इस देश के कानून से ऊपर मानता है, लेकिन ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस को बहुत ही लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जहां कानून की व्यवस्था ना हो, जहां लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, वहां अपराध को पाव जमाने में समय नहीं लगता। जहां लोगों के हाथ में बंदूक हो, वहां किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। अपराध आपका पता पूछकर नहीं आता, और मौत आपका नाम पूछकर नहीं आती। चंदन भैया बुरे इंसान नहीं है, उनकी पहली बीवी नंदिनी जी उनके बड़े भाई की विधवा हैं, इसीलिए भैया जी उन पर अपना हाथ रखे हैं, उनके बेटे को अपना नाम दिए हैं। और वो तुमकी बीच वाली पत्नी, उसका पति तो बहुत ही बड़ा शराबी था, दिन रात नशे की हालत में उसे बस मार कुटाई करता रहता, इसीलिए भैया जी अपने संरक्षण में लिए हैं उसको। सर, सब कहते हैं कि तुमकी के पति को जिंदा गाड़ दिया, वो भी जमीन में। कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? जांच पड़ताल या सजा तो तब हो जब कोई कंप्लेंट करे। अरे भैया जी तो पुण्य किए हैं, और फिर कंप्लेंट कौन करेगा उनके खिलाफ, किसी में इतना हिम्मत है? इस बार तो किसी ने हिम्मत दिखाई है। पता करो ये कंप्लेंट किसने की, क्योंकि जिसने भी कंप्लेंट की है उसकी जान को खतरा हो सकता है, पता लगाओ। ए ठुमकी, जरा खाने की थाली तो लगा दो, नेल पॉलिश गीला है, खराब हो जाएगा। अरे आज भी तुम्हारी अम्मा काहे पढ़ाई करवा रही है? तो आज का है, पहली बार थोड़ी ना शादी हो रही। तुमने शादी में मजे किए कि नहीं? शादी में मजा तो किया है, लेकिन ज्यादा नाच नहीं पाए। जब आप अगली बार शादी करेंगे तब बहुत मजा करेंगे। लो, बच्चा लोग ने अगले शादी की भी तैयारी कर ली, बधाई हो। तो कब रचा रहे हैं अगला ब्याह? अगर 100 औरतों को हमारा संरक्षण का जरूरत पड़ेगा ना, तो 100 बार ब्याह रचाएंगे, समझी? और आपका जरूरत कितना औरत से पूरा होगा? गुस्से में ना तुम्हारे गाल एकदम सेब की तरह लाल हो जाते हैं,
अब एक ही जन्म में हमको खुद से कितनी बार प्यार करवाओगी हुँ? और आपको हम पर कब प्यार आता है? जब हम तुम्हारे लिए तोहफा लाते हैं और तुम मुस्कुराती हो ना, तब। जा रहे हैं कल शहर, चलोगी शॉपिंग पे? तुम क्या बिजली को बुला लाओगी? इतना तो कर सकती हो, उसको भी भूख लगी होगी। प्रणाम भैया जी। कांस्टेबल सूरज यादव। भैया जी ऑल ड्रेस हो गया है। आपके घर का लैंडलाइन से आया है, क्षमा कीजिएगा भैया जी, पर हमको तो लगता है कि आपके तीनों वीडियो में से किसी एक वीडियो ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है। शादी नहीं करना था तो बोल देती, थाना में शिकायत करने का क्या जरूरत था हमारे खिलाफ? पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, शिकायत थाना और ऊपर से सांप लाए सुहागरात में। बात मत घुमाओ बिजली, हम जानते तुम 18 के और हम 36 के, बहुत बड़े हैं तुमसे। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता देती हमें, ये सब खेल खेलने का क्या जरूरत था? कैसा बात कर रहे हैं आप, हमें कहा है कोई और पसंद आएगा? आप से अच्छा पति कोई मिलेगा काम को? इतना सब तो किया है आपने हमारे लिए। अरे प्रणाम भैया जी, अरे आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। ए भोलू, भैया जी और बहुरानी के लिए दो ठंडा लगाना दो, जल्दी फटाक से। आइए आइए भैया जी, एकदम सही समय पर आए आप। हाँ जी, नया माल आया है मुंबई से। ये रहा पल्लू, सब इंपोर्टेड साड़ियां हैं। ये देखिए बहुरानी, ये देखिए। रोज रोज शहर आना थोड़ी ना होता है, हम तो एक दर्जन साड़ियां लेंगे। एक का है, तुम दो दर्जन ले लो। ये क्या बात हुई भैया जी, बस दो दर्जन? अरे भैया जी पूरी दुकान आपकी है, अरे हम तो कहते हैं पूरा का पूरा दुकान रख लीजिए, हैं? जी भैया जी। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है ऊपर? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए बना है। पर सवाल यह है कि क्या तुम हमारे लिए बनी? क्षमा कीजिएगा भैया जी, पर हमको तो लगता है कि आपके तीनों बीवियों में से किसी एक बीवी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है। हमारे साथ खुश होने का एक्टिंग ना बंद करो और सच्ची बताओ अगर हमसे मन उब गया है या कोई और पसंद आ गया है। आप क्या वो नहीं, वो हमारी आवाज नहीं है, हम नहीं है वो। दुकान के साथ जला के ना राख कर देंगे, तुमको पता है ना हमको झूठ और धोखा से कितना नफरत है। शादी नहीं निभाना बोल तो छोड़ देंगे, किसी और से ब्याह रचाना है रचवा देंगे, फिर हमारे पीठ पीछे सब खेल खेलाना तुम जिंदा जला देंगे, समझी? आपकी कसम, ये इस दुकान का कसम, हम आपके साथ बहुत गुस्से हैं। हाँ हम गुस्सा हुए थे जब सुने कि आप एक और शादी कर रहे हैं, वो हमसे भी जवान है, पर हम भी तो सुंदर हैं। पर वैसे हम आपके साथ बहुत खुश हैं, हम काहे थाने फोन करेंगे?
दाढ़ी पसंद कर लो। नंदी दीदी है जिसमें आपका खिलाफ जाने की हिम्मत हो सकती है, हम सब में इतनी हिम्मत कहाँ? निकालो इसे। जी भैया। क्या? अच्छा सर, चंद्रपुर में मर्डर हो गया। जो होना था वो तो हो गया, अब सब तुम दोनों को ही संभालना। रुकी, क्या हुआ? नंदी दीदी है जिसमें आपका खिलाफ जाने की हिम्मत हो सकती है, बिना सोचे समझे बोल दिए, कहीं यही तो नहीं मारे ना? पगला गई हो तुम? तुम्हारे सामने बोल दी, और किसी के सामने मत बोलना, और खासकर भैया जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। आने दो। कैसे आना हुआ? अब इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो झूठ पसंद नहीं है हमें। देखिए, इनकी मौत की वजह खुदकुशी नहीं, सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। चोट का निशान सर पे आगे की तरफ है। जानते हैं हम, खुदकुशी करने वालों में से नहीं थी नंदी, उससे ज्यादा हिम्मत वाला औरत हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो नहीं कर सकती है। ढूंढिए, ढूंढिए हत्यारे को, परमिशन है हमारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। हमारे रहते कोई गैर मर्द हाथ भी नहीं लगा सकता नंदी को, और चीर फाड़ तो हम करने नहीं देंगे। लेकिन तहकीकात तो करनी पड़ेगी ना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, तहकीकात करने दे रहे हैं तो करिए, पर हमारे तरीके से। और अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठिए और निकलिए यहां से। सर, हाँ? चंदन भैया ने इन्वेस्टिगेशन करने दिया, इसका मतलब किलर वो नहीं है। बॉडी का पोस्टमार्टम तो नहीं करने दिया ना, शायद उनको पकड़े जाने का डर हो, और हो सकता है इन्वेस्टिगेशन इसलिए करने दिया ताकि उन पर किसी को शक ना हो। सर, वो फोन कहीं नंदी ने तो नहीं किया और चंदन भैया को पता लग गया और इसलिए ये? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है,
ये तो पायल है। पता करो गांव में ये पायल किसकी है। नंदी के बाद अब तुम ही सबसे बड़ी हो इस घर की। अब तक तो सब नंदी ने संभाल लिया, अब तुम्हारा जिम्मेवारी है घर बच्चा सब संभालना। अपना जिम्मेवारी लेना शुरू करो। हमको घर संभालना बच्चा पालना आता ही नहीं। हमारी चंदा को भी तो नंदी दीदी ही पाल रही थी ना। हम कोशिश करेंगे और फिर बिजली भी तो है, वो मदद करेगी हमारी। नहीं, बिजली नहीं कर पाएगी मदद, उसको सबसे दूर ही रहने दो। 12वीं का परीक्षा है उसका, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई में ध्यान देने दो। बच्चों, अरे तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? ये पायल को पहचानते हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? बहुत बढ़िया। खूब मन लगा के पढ़ो। तुम्हारे परीक्षा के परिणाम के बाद पायल लाके दिए थे ना? हाँ, आप हमारा नंबर देख के बहुत खुश हुए थे। वही वही। कहाँ है वो? अलमारी में होगा, हम तो सब वही रखते हैं। जरा लाना तू। अभी? हाँ, अभी। दूसरा पता नहीं कहाँ है। नहीं मिला? नहीं, एक ही मिला है, पता नहीं दूसरा कहाँ रखे भूल गया। कोई बात नहीं, वैसे भी वो यहाँ नहीं मिलेगा। काय? नहीं, वो तुम कहीं रखकर भूल गई होगी ना। तुम ना पढ़ाई करो, कल परीक्षा है ना तुम्हारा। माफ कीजिएगा भैया जी, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। जो लड़की छिपकली से भी डरती है वो कैसे किसी को मार सकती है? लेकिन आपका है कि आपको उसी पर शक है। दरोगा को पायल मिली है बिजली की, वहां जहां नंदी की लाश मिली थी। मिली होगी, हम लोग सब उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, गिर गई होगी कभी। और बिजली का तो इतना किताबों में ध्यान रहता है कि उसको पता भी नहीं चला होगा। वो नहीं मार सकती है किसी को। आप अगर ठुमकी के बारे में कहते तो हम मान भी लेते, लेकिन बिजली किसी को मार ही नहीं सकती है भैया जी, आप तो कुछ भी सोचते रहते हैं।
पगला गए हो क्या? भैया जी ने देख लिया ना तो जिंदा गाड़ देंगे हमें। डरते नहीं हैं हम किसी से, और वैसे भी तुमसे दूर रहने से बेहतर तो मरना ही है। ना प्यार करते हो हमसे? शक है तुमको? जान दे के दिखा देगी। जान भी दे सकते हो, खाओ जरा। दिखा दे। क्या? आप तुम क्या कर रही हो यहाँ? सब बच्चा लोग तो कब का चला गया? वो थोड़ा नर्वस ही आ गए थे तो पेट खराब हो गया। चलो आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपकी छोटी पत्नी का एग्जाम तो दोपहर में खत्म हो गया, वापस साथ में लौट के नहीं आई क्या? आप का है जानना चाहते? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी बातचीत करनी थी उससे। नहीं है वो हमारे साथ। तो कहाँ है वो? कहे ना, नहीं है वो हमारे साथ, नहीं हो पाएगा आपका बात। चले जाइए अब। और हाँ, तहकीकात वहकीकात ना आज से सब बंद, कस्बा छोड़ के चले जाइए। और जो नया सुराग मिला है उसका क्या? देखिए दोबारा नहीं समझाएंगे, अगर फिर से दिखे ना कस्बे में तो आपकी सुरक्षा का जिम्मेवारी हमारा नहीं, समझदारी में ही भलाई है। बिजली क्यों नहीं आई उनके साथ? कहीं वो उसको मार तो नहीं? अरे पता नहीं, तुम ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। शायद हम बोले तो थे भैया को, शायद माने नहीं हमारी बात, पता नहीं। दीदी वो हमें भी मार देंगे। तुमको क्यों मारेंगे? दीदी हम आपको पूरा सच नहीं बताए पहले, हम एक और सौतन नहीं चाहते थे। हम थाने फोन किए थे, हमें लगा पुलिस आकर शादी रोक लेगी। दीदी हमें लगा उनको पता नहीं चलेगा, अब हमें डर लग रहा है वो हमें मार देंगे। दीदी आप कुछ कीजिए ना, हमें मरना नहीं है दीदी। सर आप नहीं आ रहे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं ही रहूंगा। नहीं सर, हम भी आपके साथ यहीं रुकेंगे। सुनिए सर, आप लोग बस इतना कर दीजिएगा कि अगर ये केस सुलझाते सुलझाते हम मर गए और आप लोगों ने ये केस सुलझा लिया तो हमारा नाम भी मेडल के लिए रिकमेंड कर दीजिएगा। एक तरफ चंदन की पहली पत्नी नंदी की हत्या हो चुकी, तो वही दूसरी तरफ उसकी छोटी पत्नी बिजली अब गायब है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या अगला निशाना चंदन की मंजली पत्नी ठुमकी होगी, या फिर इन सब के पीछे कहीं ठुमकी का हाथ तो नहीं है? जिस इलाके में चंदन का इतना दबदबा था, उसी इलाके में उसकी पत्नी के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत किसमें हो सकती है? कहीं ये पूरा खेल चंदन का तो नहीं रचा हुआ था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उस इलाके के लोग
पुलिस के खिलाफ थे, लेकिन उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता था। बावजूद इसके वो पुलिस का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए असंभव से कम नहीं था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? संभाल के काम किया करो। बिजली को नहीं मारे हम। हम कहाँ बोले कि आप मारे हैं? बता नहीं सकते कहाँ है, पर जहां भी है जिंदा है और ठीक ठाक है। नए नंबर से वीडियो किसने भेजा है? दरवाजा खोलो। नहीं, हम नहीं खोलेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था इतना सब कुछ होगा। हम कह रहे दरवाजा खोलो। हमें पता है आप हमें मार डालेंगे, हमें मरना नहीं है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमने किसी को नहीं मारा है। नहीं, हम नहीं खोलेंगे। सर, चंदन के गुंडे हम पर हमला करने आ गए। अरे हम भैया जी की बहन के पति प्रकाश हैं। क्या क्या मदद करने के लिए आए आप लोगों का? नहीं चाहिए क्या? कहिए तो चले जाते हैं। अपने भैया जी के खिलाफ जाकर डर नहीं लगता तुमको? डरते हैं हम, कौन नहीं डरेगा इतने ताकतवर आदमी से। लेकिन उससे ज्यादा हम उनसे नफरत करते हैं। वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको? क्रिमिनल है, एक नंबर के गुंडा है वो। जाइए कस्बे में जाके पता कीजिए, कोई मुंह नहीं खोलेगा उनके खिलाफ। जानते हैं, सबको पता है, अगर एक शब्द भी किसी मुंह से निकल गया ना, काट के कहां गाड़ देंगे पता नहीं चलेगा। जैसे वो नंदी और बिजली को मारे हैं, ऐसे ठुमकी को भी मार देंगे। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि नंदी और बिजली को चंदन ने मारा है? हमको ऐसा लग रहा है आपकी मदद करने आए, गलती हो गया हमसे। अरे हम जो बोल दिए सो बोल दिए, अब सब कुछ आपके हाथों में है। अगर उसको बचाना है तो ठुमकी को बचा लीजिए, हम तो जा रहे हैं। पिछड़िए, अरे पीछे। पहले तुमने नंदी को मारा और उसके बाद अब ठुमकी को। बिजली कहाँ है? हाँ, हम नाराज थे ठुमकी से। डर गई थी वो हमसे और अपने आप को इस कमरा में बंद कर ली थी। बहुत खटखटा पर नहीं खोली। हम चले गए, सोचे सुबह बात करेंगे। काहे मारेंगे हम अपनी ठुमकी को? ठीक है, तो पत्नी बची थी हमारे पास, हमारे दोनों बच्चों की एक लौती माँ। एक इकलौ मतलब कहाँ बिजली? क्या किया तुमने उसके साथ? कहीं तुमने बोलो।
टिकट लिए थे हमें भैया जी। प्यार किए तो छुपाए का है हुँ? सच्चा प्यार करते हो? एकदम। जान भी दे सकते हैं हम बिजली के लिए। चलो वो तो बहुत अच्छे आदमी है साहब, शादी करा दी हम दोनों का, यहाँ तक कि पैसा भी दिया नया जिंदगी शुरू करने के लिए। ऐसा कौन करता है? हम तो डर रहे थे कि कहीं हमें मार ना दे, लेकिन उन्होंने तो फिर से हमें नया जिंदगी दी। कौन चंदन को फंसाना चाहता है? कौन दुश्मनी मोल ले सकता है चंदन भैया? एक ही हो सकता है जो पुलिस और चंदन दोनों के साथ खेल खेल रहा है। गाड़ी घुमाओ, चंदन के घर ले चलो। भैया जी, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचिए, आगे क्या करना है। अरे बाल बच्चे वाला आदमी है आप, वो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य आप ही को देखना है। सब भगवान का मर्जी है, क्या कर सकते हैं आप, संभालिए खुद को भैया जी। अब सबको यही लगेगा कि तुम की और ना नंदी को मार के तुम खुद ही आत्महत्या करी। मारे उनको हमारे। क्यों मारा नंदी को? इनकी शादी वाले दिन हम थुमकी को देख लिए थे। चंद्रपुर गांव के मुखिया के घर शादी हो रही है, जबरदस्ती। लड़की 18 साल की है और दूल्हा 36 का। उसकी पहले से ही दो बीवियां हैं। हम दोनों ने सोचा था कि भैया जी को उकसाएंगे तो भैया जी खुद ही मार देंगे उसको, और नंदी का इस्तेमाल करने वाले थे। ये इसको तुरंत हटा, ये तुमकी पगला गई है क्या? इनको पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे, तुमकी को जिंदा काट देंगे। हटा उसको। नहीं नहीं नहीं, इसको डिलीट नहीं करेंगे, ये तो भैया को दिखाएंगे। अरे मौली, अरे मौली, तुमकी की जगह वो नहीं फेंका है तालाब के पास। सबको लगेगा भैया जी ने किया है, और भैया जी को ये लगा कि वो फोन की थी इसलिए मार दिए। फिर हम बिजली की पायल वहां छोड़ के आ गए। सबका सब बिजली पे जाने वाला था। हमको पता था भैया जी उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इनकी तो अदा ही निराली है। जब पता है चोंच से चोंच लड़ा रही है, इस पे चल रहा है, फिर भी उसको जाने दिए। नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसका वीडियो बना के हम भैया जी को दिए थे। सोचा था ये मार देंगे, लेकिन इनसे तो हुआ नहीं, तो
ठुमकी क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, हम समझाएंगे भैया को। चलो आओ तुम। काहे किए ये सब? क्या काहे काहे लगा रखा है? पावर के लिए किए हम। अब तक आपका कुत्ता बन के आपके टुकड़ों पे पलते हम। हमको भी पैसा चाहिए था, जायदाद चाहिए थी, मुखिया बनना था हमको, मुखिया। लेकिन आपके जीते जीते हो नहीं सकता था ये। हम सोचे आपको बर्बाद करने का एक प्लान बनाए। आपको बर्बाद कर भी दिए होते अगर आप ये पुलिस को बीच में नहीं लाए थे ना। एक बार बोल दिए होते ना तो अपना सब कुछ तुम दोनों के नाम कर देते हम। जान बचती है मौली में हमारी। जमीन जायदाद का हम अपनी जान देते थे तुम्हारे लिए। भैया सच्चा कुछ दिख रहा है भैया? आराम से थोड़ा सा। एक और सर, बॉडी मिल गया। बिजली के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, गुस्सा आ गए थे हम, मार दिए। दंड मिलना चाहिए हमें, कानून तोड़ने के लिए दंड मिलना चाहिए हमें दरोगा साहब। कहीं ना कहीं तुमकी और नंदी की मौत के लिए भी हम ही जिम्मेवार। इस दुनिया में घर वो जगह है जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। परिवार के लोग वो होते हैं जिनके साथ हम खुद को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन अगर आपका वो घर ही सुरक्षित ना रहे तब, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग ही आपके खिलाफ अपराध करने लगे तो हम क्या करें? इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार की कटुता ना आने दे। उन्हें नैतिक मूल्य सिखाए, घर के माहौल को ऐसा बनाए कि बातचीत करने से हर समस्या का समाधान किया जा सके। बबुल के पेड़ बोएंगे तो उसमें आम कभी नहीं उग सकते हैं। आपके परिवार के लोग रास्ता ना भटके इसलिए बेहद जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्ग सही रास्ते पर चलें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।